मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मध्य रेलवे मुंबई मंडल के उपनगरीय खंडों पर विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए रविवार 15 मई को मेगा ब्लॉक रहेगा। आपको बता दें कि रविवार की सुबह 10:14 से दोपहर 3:32 तक मुंबई सीएसटी से छूटने वाली डाउन स्लो सेवाएं माटुंगा और मुलुंड स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर डाइवर्ट की जाएगी। जो सायन कुरला घाटकों पर विक्रोली भांडुप और मुलुंड स्टेशनों पर रुकेंगी। उसके बाद मुलुंड स्टेशन पर डाउन स्लो लाइन पर डाइवर्ट की जाएगी। इसके अलावा सुबह 10:58 से दोपहर 3:59 तक ठाणे से छूटने वाली अप स्लो सेवाएं मुलुंड से अप फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी और मुलुंड भांडुप विक्रोली घाटकों पर कुरला और सायन स्टेशनों पर रुकेंगी। इसके बाद माटुंगा स्टेशन से अप स्लो लाइन पर फिर से डाइवर्ट की जाएगी। मुंबई सीएसटी कुरला और पनवेल वासी सेक्शन के बीच की जो सेवाएं हैं वो सुबह 10:34 से दोपहर 3:54 तक मुंबई सीएसटी से पनवेल बेलापुर वासी के लिए छूटने वाली डाउन हार्बर लाइन की सेवाएं और सुबह 10:16 से दोपहर 3:47 तक पनवेल बेलापुर वासी से छूटने वाली मुंबई सीएसटी के लिए अप हार्बर लाइन सेवाएं बंद रहेंगी। ब्लॉक अवधि के दौरान मुंबई सीएसटी कुरला और पनवेल वासी सेक्शन के बीच विशेष सेवाएं चलेंगी। हार्बर लाइन के यात्रियों को ब्लॉक अवधि के दौरान सुबह 10 से शाम 6 तक ठाणे वासी नेरुल स्टेशनों से होकर यात्रा करने की अनुमति दी गई है और चर्च गेट मुंबई सेंट्रल के बीच जंबो ब्लॉक रहेगा। ट्रैक सिग्नलिंग और ऊपरी उपकरणों के रखरखाव के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा रविवार को चर्च गेट और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच में सवेरे 10:35 से दोपहर 3:35 तक अप और डाउन फास्ट लाइनों पर जंबो ब्लॉक रहेगा। जानकारी के अनुसार ब्लॉक अवधि के दौरान फास्ट लाइनों की सभी ट्रेनों को चर्च गेट और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच धीमी लाइनों पर चलाया जाएगा। ब्लॉक के कारण अप और डाउन दिशा की कुछ उपनगरीय ट्रेनें भी रद्द होंगी।